दीपक चहर की चोट हो गई है गंभीर, और इस गंभीर चोट के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स, अगर दीपक चहर यहां से पूरे सीजन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आधे सीजन से तो हो ही गए हैं, पूरे सीजन से हो जाते हैं जिसके चांसेस ज्यादा है, तो 5 खिलाड़ियों को टारगेट कर रही है। इन 5 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जो कि इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के टारगेट पे है, जो कि दीपक चहर की रिप्लेसमेंट बन सकता है। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आईपीएल की तमाम खबरें सबसे पहले हर रोज आपके फोन पर प्रोवाइड करते हैं, तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की पहले खिलाड़ी से, वो खिलाड़ी जो इस समय चेन्नई की रडार पर है, धोनी की रडार पर है, और अगर दीपक चहर यहां से पूरे सीजन से बाहर होते हैं तो इस खिलाड़ी के पास सबसे पहले चेन्नई प्रपोजल लेकर जाएगी। खिलाड़ी का नाम है ईशांत शर्मा, ईशान किशन मुंह से निकल रहा है बट ईशांत शर्मा जी हाँ, ईशांत शर्मा वो खिलाड़ी होंगे, इंडिया के सुपरस्टार तेज गेंदबाज, दिल्ली की तरफ से खेल चुके हैं, T20 क्रिकेट में प्रदर्शन बहुत बुरा भी नहीं है और एक बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्रदर्शन रहा, इस साल की नीलामी में बिके नहीं थे और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं, क्योंकि भाई बड़े ही सस्ते दामों पे 1.5 करोड़ की वेस्ट प्राइस पे आपको ईशांत शर्मा जैसा खिलाड़ी मिल जाएगा। बड़ी चीज दोस्तों यह है कि दीपक चहर अगर जाते हैं तो चेन्नई की टीम की डिमांड तो एक भारतीय तेज गेंदबाज ही रहेगी, लेकिन आज परिस्थिति यह है आईपीएल में कि नीलामी के बाद स्पेशली अब हमारे पास वो विकल्प बचे नहीं है कि आप कहां से तेज गेंदबाज इंडियन लेकर आओगे, क्योंकि ऑलरेडी सारे बिक चुके हैं। तो यहां पर ईशान शर्मा पहली और सबसे प्राइमरी पिक होने वाले हैं, एंड आई डोंट थिंक कोई रीजन है यहां से चेन्नई को इनके पास जाना ही पड़ेगा, तो चेन्नई पीली जर्सी में ईशान दिखेंगे। ईशान शर्मा के बाद दूसरे प्लेयर जो कि पीली जर्सी के लिए दावेदारी करेंगे दीपक चहर के बाद, उसका नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एमसीपी शॉर्ट हमारा नया चैनल आ चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाइए अभी सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल और क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियों को 1-1 मिनट के छोटे वीडियो फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोलिए, एमसीपी शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे खिलाड़ी है धवल कुलकर्णी। दोस्तों धवल कुलकर्णी भी इस लिस्ट में बड़ी इजीली अपना नाम बना लेते हैं, आईपीएल का एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं, ऐसी कोई टीम नहीं है जिसके साथ और जिसके खिलाफ इन्होंने मैच ना खेला हो। गुजरात में खेले, उसके बाद ये मुंबई इंडियंस की टीम में आ गए थे, राजस्थान रॉयल्स की टीम में इन्होंने मैचेस खेले, तो धवल कुलकर्णी भी वहां पर होंगे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ईशान शर्मा के आगे धवल कुलकर्णी को रखेगी ऐसा मुझे पर्सनली डाउट है, बट फिर भी क्योंकि आईपीएल के इनके रिकॉर्ड्स हैं, इनके पास आईपीएल का एक अनुभव है, ये हर साल या तो नीलामी में बिक जाते हैं और अगर नीलामी में नहीं बिकते हैं ना तो इसी तरह से पीछे के रास्ते से इनकी आईपीएल में एंट्री हो जाती है, एंड दैट इज वाई धवल कुलकर्णी मेरे हिसाब से दूसरे खिलाड़ी होंगे जो दीपक चहर की जगह लेने की दावेदारी करेंगे। तीसरे खिलाड़ी दोस्तों जो कि दीपक चहर की जगह लेने की दावेदारी करेंगे वो है अर्जुन नगवासवाला। अब अर्जुन नगवासवाला और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से सेलेक्ट भी हुए थे रिसेंटली, गुजरात की तरफ से खेलते हैं, बहुत ही युवा खिलाड़ी आए हैं और बहुत ही यंग खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल में ये एक नया अनुभव लेकर आएंगे। हालांकि एक चीज बता दूं कि आईपीएल अभी तक खेला नहीं है, किसी भी टीम ने इन्हें टारगेट नहीं किया था, मतलब टीमों ने इन्हें परख तो लिया है और टीमों को ऐसा लगता है, आई थिंक मैं बोलना चाहूं तो टीमों को ऐसा लगता है कि आईपीएल के लिए बने नहीं है। इनका सिलेक्शन जब भारतीय टीम में हुआ था तो वो भी टेस्ट मैचों के लिए हुआ था, तो ये टेस्ट खिलाड़ी होंगे, तो वही बात है दोस्तों कि अगर आप एक टेस्ट खिलाड़ी को पुजारा हो गए, रहाने हो गए, इनको लेकर जब आईपीएल में इस समय आज प्रेजेंट स्थिति में लाते हैं तो टीमों का फायदा होता नहीं है, इसीलिए भाई लिस्ट में नगवासवाला है जरूर, बट मुझे नहीं लगता कि अभी कभी कुछ इन पर फैसला लिया जाएगा। आई थिंक कि पहले ईशान शर्मा या धवल कुलकर्णी को ही देखा जाएगा चहर की रिप्लेसमेंट के रूप में। चौथे खिलाड़ी है और ये आईपीएल का एक अच्छा खासा अनुभव ले भी चुके हैं, आईपीएल में खेल भी चुके हैं, आईपीएल में मतलब इनके पास एक रिकॉर्ड है अभी पीछे, वो है संदीप वॉरियर। यार भाई संदीप वॉरियर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे, बड़ी बात यह है कि थोड़े से एज हो गए हैं, 30 साल के हो गए, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अच्छा अनुभव है, आईपीएल के कुछ मैचों का अनुभव है, आई पर्सनली थिंक कि साउथ इंडिया से आते हैं तो वो एक ब्रांड वैल्यू वाला फैक्टर भी ले लेंगे, क्योंकि आईपीएल में खेल चुके हैं तो यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी होगी संदीप वॉरियर जैसे प्लेयर्स को लाकर खिलाना। बड़ी चीज एक दोस्तों यह है कि जैसे हर्षल पटेल का अचानक से उदय हुआ, उस तरह से संदीप वॉरियर भी कुछ उसी तरह के प्लेयर हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स वो रिस्क भी ले सकती है वॉरियर के साथ। ये रिस्क दोस्तों आप ईशान शर्मा या फिर धवल कुलकर्णी के साथ नहीं ले सकते, तो ये फायदा जरूर वॉरियर लेकर आएंगे। पांचवे प्लेयर है दोस्तों आकाश सिंह, इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं है क्योंकि इस समय अंडर-19 क्रिकेट खेलकर निकल कर आए, वहीं से तेज गेंदबाजी करते हैं, अंडर-19 भारतीय टीम को सर्व किया है, तो ये सारी चीजें आकाश सिंह को जरूर एक ऑन एंड ऑन पिक बनाएगी। अगर आप यहां से फ्यूचर देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने देखा होगा, जरूर परखा होगा, बट अगर यहां से चेन्नई को फ्यूचर देखना है और यहां से अगर आपको दीपक चहर की एक रिप्लेसमेंट चाहिए है तो आकाश सिंह बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दीपक चहर को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, तो अगर आप आकाश सिंह जैसे प्लेयर को लाते हैं तो आप जरूर एक नए सितारे को मौका देंगे जो कि शायद फायदेमंद हो जाए, जैसा पंडिकल के साथ हुआ, जैसा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हुआ, जैसा आवेश खान के साथ हुआ।
तो वैसा कुछ होता हुआ दिख सकता है। तो ये वो पांच खिलाड़ी है जो कि पॉसिबल दीपक चहर की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि दीपक चहर एक भारतीय खिलाड़ी है तो चेन्नई को जाहिर है भारतीय रिप्लेसमेंट ही चाहिए होगी, मौजूद ज्यादा नहीं है और इन पांच से बेहतर तो नहीं है। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन कर सकता है रिप्लेस। एमसीपी शॉर्ट नया चैनल आ गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आएगा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाइए।